जी सत श्री अकाल, सलाम एंड नमस्कार। हम हैं आपके ओसन दोस्त दिलप्रीत सिंह। तो मैं और हमारी हार्ले डेविडसन, नाम नहीं रखा आपके, अभी तो खरीदी नहीं हमने। मैं और मेरी हार्ले डेविडसन सुपर रो, मेरी नहीं है, चल जगदम्बा सुपर बाइक की है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे साथ एक और दिन स्पेंड करने के लिए। तो मैं ये क्यों चला रहा हूँ, वैसे ये बात आपको लास्ट ब्लॉग में पता लगी होगी कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जो रॉयल इनफील्ड है थंडरबर्ड, उसको सेल करके हार्ले पे अपग्रेड कर रहा हूँ। जब से मैंने सरस्वती मोटर की चलाई है, फैट बॉक्स चलाई है 2019 मॉडल, भाई मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये ठीक है, लोकल चलाने के हिसाब से कंफर्टेबल भी है। और क्या कहते हैं, सामान सुनो डाल सकते हो, सब्जी सब्जी लेके आने ला सकते हैं, पर आ रहा है फिर रोड खराब है यहाँ पर। एंड बाइक पावर आए तेरी, बाइक पावर भी अच्छी है। सो हम फिलहाल जा रहे हैं एक छोटी सी राइड पर, क्योंकि मौसम बहुत ही हसीन है, बहुत हसीन। आपको पता लग रहा होगा पेड़ हिल रहे हैं, मतलब क्या बादल बने हैं, आई थिंक बारिश भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। उम्मीद है 90% उम्मीद है मुझे बारिश होएगी, क्योंकि फोरकास्ट भी था बारिश का वैसे। हाँ जी, तो फिर से एक बार मौसम बहुत ही हसीन है, हम भी जमा हैं, हमारे नीचे है हार्ले सुपर लो एंड फुली लोडेड बाइक है ये। वैन से नहीं, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं इन्होंने, आगे फुटर से ऊपर लोग सीधे आते हैं, इन्होंने लंबे करवा रखे हैं, सामने ब्लूटूथ स्पीकर लगे हैं। मैं चला नहीं रहा क्योंकि अभी हम फिलहाल ब्लॉक कर रहे हैं, बेबी ब्लॉक। तो मैं ये बाइक कंसीडर कर रहा हूँ, बता चुका हूँ वैसे, तो फिर से बता देता हूँ एक बार ही, मैं ये बाइक कंसीडर कर रहा हूँ अपने रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड के एक्सचेंज में, कि मैं उसको सेल आउट करके एक ये बाइक ले लूँ। बट ये अभी सोचा नहीं है, देखते हैं, चलाते हैं, फिर मूड बनाते हैं। एंड ये सामने देखो हमारी शक्ल, देखो बढ़िया दिख रही है आपको, दिख रही है। थोड़ा सा साइड में सेट कर लेते हैं इसको, ये यहाँ भी सेट कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुझे तीन सुपर बाइक साथ में एक हार्ले रखनी चाहिए या कोई और बाइक? मैं सोचता था पहले इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कोई बाइक ले लूँ। मेरे बड़े भैया का मन था कि हम अवेंजर ले लें 220, बट मुझे वो पसंद नहीं है। फिर मैं अगर रखनी है, अगर अवेंजर से बेटर है हमारी रॉयल इनफील्ड ओके है। फिर मेरा मूड बनाया था कि इंटरसेप्टर लेते, नहीं इंटरसेप्टर का एक हमने बोला कि एवरेज काफ़ी कम है, मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है, एंड मैं थोड़ा उससे कन्फ्यूज हो गया। फिर मैं सोचा कि चलो जब इतने पैसे खर्च के इंटरसेप्टर लेनी है, तो इतने पैसे खर्च के तो फिर हम क्या ले सकते हैं, हम रॉयल एनफील्ड करो यार, क्या हो गया, हार्ले का डेविड और सन तीनों चीज़ ले सकते हैं, तो ये ले लेते हैं। तो ऑप्शन है, अभी कह रहा और एक्सप्लोर करूँगा। 48 मैंने ऑप्शन रखा हुआ है, आयरन रखी हुई है, आयरन एक्चुअली पहले मैं चला चुका हूँ, मेरे छोटे भाई ने रखी हुई थी आयरन, बाद में सेल आउट कर दी थी उसने। तो ये ऑप्शंस हैं, उसके अलावा और क्या ऑप्शन है जी हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन देखेंगे। अभी मैंने मोहित को बोला है कि सर्च ऑन रखे, कोई अच्छी बाइक आती है जो मुझे पसंद आए और मेरे पास सूट भी करे, अच्छी लोडेड बाइक हो, तो वो हम ले लेंगे। बट अभी इसको भी शायद ले लें, बट एक्चुअली क्या है, मोहित की जो ये वाली पर्सनली, सॉरी मेरा मूड था इसी को ले लूँ मैं, लेकिन अभी जो ये वाली बाइक है मोहित की, ये पहले ही सोल्ड आउट है। तो मोहित ने इस बाइक की डिलीवरी करनी थी एंड उसने पार्टी को कोई और बाइक भी दिखानी थी, तो मुझे मोहित ने बोला कि भाई मैं वो लक्ष्मी स्टोर पर खड़ा हुआ था, मैं एक्चुअली करोड़बाग में अपनी बाइक का काम करवा रहा था। उन्होंने कहा यार तू वहाँ से वहाँ तक बाइक लेकर ही आ जा, हम साथ में डिलीवरी दे देंगे, एक साथ वापस आ जाएंगे और मैं बाइक चला के चेक भी कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी, एक तीर से तीन चार निशाने जब साथ में लग जाए, मैं कहा चलो ठीक है, फिर ऊपर से मोहित पार्टी भी देगा जब बाइक भेजेगा, तो अपने को तो पार्टी बनती है, मैं भी पार्टी बनती है, अफ्रीका खाना क्या छोड़ता है। तो अब हम जा रहे हैं फिलहाल साउथ दिल्ली जी, ग्रेटर कैलाश जा रहे हैं, वहाँ बाइक छोड़नी है। एंड वहाँ बाइक छोड़, मुझे थोड़ा सा शॉकर का कई इशू लग रहा है यार, हार लगा थोड़ी नीचे झटके पेड़ में मार रही है, मुझे आदत नहीं है अभी। और हमारी जो बुलेट है, मतलब हमारे थंडरबर्ड है, वो ऐसी दिक्कत नहीं करती। क्या बात है, वैसे नहीं पिकअप वगैरह बढ़िया है। सो जिस बंदे की बाइक है काफ़ी अलोडेड, हमने इसमें ये देख रहे हो ये दोनों ये चेंज करवा रखे हैं, लीवर्स चेंज करवा रखे हैं, ये चेंज करवा रखे हैं, एंड स्पीकर दिखा दिया मैंने आपको, फ्रंट की लाइट चेंज है, चढ़ी लगी हुई है, अलग कलर की लगी हुई है, फुट पैक्स आगे करवा रखे हैं, साथ में इधर इधर ये देखो ये वो भी लगा हुआ है, इसके अंदर एयर फिल्टर चेंज करवा रखा है, ये भी हार्ले डेविडसन का है। तो टोटल एंड टोटल एक्चुअली सोचता हूँ जितने की ये बाइक है, ऑलमोस्ट उससे थोड़ी सी कम, बस उससे थोड़ी सी कम इस पैसे जरिए लगी हुई है। तो आप लगा लो किस बंदे ने कितना पैसा खर्च किया होगा, कितने शौक से बाइक बनाई होगी, रखी होगी। तो पेट्रोल का झटका लग गया भैया, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा इसमें आगे से, पेट्रोल पंप देख के ढूंढते पहले जरा, वरना रास्ते में कहीं खड़ी ना हो जाए, कहीं लेने के देने ना पड़ते। इधर खड़ी है एक डनार, हम आराम आराम से प्यार प्यार से, ओए हाय हाय पहुंच गए हैं।
पेट्रोल पंप पर मुझे लग रहा था एक तरफ डाउट आ गया, अरे इधर मैडम खड़ी, मैं खुलवाते पेट्रोल, मेरे को डाउट आ रहा था एक बार, मैं कहा यार अरे इधर आगे कहाँ रेस्ट करना, वहाँ पर लग रही है, चलो मुझे लग रहा था कि मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, बट शुक्र है रब का पहुँच गया वीरे, धक्के लगने पे इतने, वरना गर्मी हमारे तो हालत पूरी हुई थी, गर्मी तो नहीं है, खैर मौसम बढ़िया, मुझे भी एक टाइम मिल रही थी सोचा था लेने के लिए, जान भी जानी तो नहीं है, नहीं जान भी जाने नहीं भाई, हमारे किसी जानकार की नहीं है, वैसे मुझे हेलमेट देख के लगा कि रितेश भाई की, मुझे याद है रितेश भाई ने तो भेज ही दी अपने टना, रितेश भाई ने नवी वाली हायाबुसा बुक कराई, हायाबुसा सतनाम भैया, बहुत ट्रैफिक है रोड के ऊपर यार, बहुत ट्रैफिक है, क्या बात हो गई भैया जी, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, मैं देखा कंपेरेटिवली मुझे ऐसा लगने लग गया कि नॉर्थ दिल्ली ज़्यादा ट्रैफिक साउथ दिल्ली टाइप पे होता है, मतलब मैं अगर नॉर्थ दिल्ली पे पास ऑन हो रहा हूँ तो थोड़ी सी कंपेरेटिवली रोड जो हैं वो ज़्यादा कम्फर्ट होती हैं, ज़्यादा ओपन होती हैं, हाँ जरा इसमें थोड़ी हाइपर एंड कर देखते हैं, बैड बॉयज़ यू नो बैड बॉयज़ ऐसे यूएसए में जो हमारे लंबे लंबे दाढ़ी रखे ऐसे चलाते हैं, पुराने पुराने को छोटा होता था देखता था, बट डर लगता था देख कर अंकल को, हाँ बारिश शुरू हो गई है जी, बारिश शुरू हो गई है, ब्रेक बढ़िया थी इसकी है, मैंने सुना कि हार लेके ब्रेक बिगाड़ होते हैं, पर इसकी तो बहुत बढ़िया है, सच में कह रहा हूँ बाइक चलाने का मज़ा जो है वो डबल हो चुका है, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा सेक्सी हो रहा है, इतना ज़्यादा सेक्सी हो रहा है, मैं क्या बताऊँ यार, मज़ा आ रहा है बाइक चला के, मेरा मन नहीं कर रहा, लोग मन कर रहा है ऐसे आराम से बैठा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, फील ही लगा रही है, बट जो जहाँ हमने पहुँचना है वो डेस्टिनेशन आ चुकी है, हमारी मासी बोल रही है गूगल मैप्स वाली कि भैया जी यहाँ से लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, मेरे डेस्टिनेशन भी होता लेफ्ट, तो तीन बार लेफ्ट लेफ्ट बोल दिया मैडम ने, हमने कहा जरूर ठीक है लेफ्ट लेफ्ट कह रही, तो ये राइट कह रही होगी, इसलिए हम भी लेफ्ट मुड़ रहे हैं एंड रुकेंगे, इस बाइक के थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे एंड उसके बाद फिर दूसरी बाइक चलाएंगे, आज के ब्लॉग में दो बाइक चलानी है हमने, 48 हार्ले डेविडसन बेबी वो चलाएंगे, ठीक है जी पहुँचते हैं फटाफट, चलो ब्यूटीफुली रैप्ड 520D, चलो हाँ चलो चलो हल्का सा बाइक जाना पड़ेगा, एक्चुअली पेट्रोल नहीं है इसके लिए बाइक में, एंड अब मोहित जी चला रहे हैं, मोहित जी चला रहे हैं सुपर लो, एंड वो मैं चलाने लगा 48, बहुत प्यारी बाइक है, बहुत प्यारा कलर भी है एंड काफ़ी लोडेड बाइक है, मैं कोई आराम से बताऊँगा, एक्चुअली मोहित यहाँ पर इसी बाइक की डील करने आए थे एंड डील हो गई है, बाइक बेच दी है, अब हमें पार्टी मिलेगी, पार्टी होएगी, पार्टी तो अब वो चलाने के बाद ये चला रहे हैं, चला रहे हैं साइलेंट बाइक चला रहा हूँ बिल्कुल, आ जा आ जा आ जा, पहले फटाफट से पेट्रोल डालते, मेरी तो किस्मत ऐसी है जो बाइक मिलती है उसमें पेट्रोल नहीं होता, यहीं लगाते भैया जी, इसके इसमें एक्चुअली अलग से ये मीटर लगा हुआ है फ्यूल मीटर, ये 40,000 रुपीज़ का अलग से मुझे भी मोहित ने बताया, एंड ये टैंक की कैप भी अलग से लगी हुई है इसके अंदर, 500 से 200 का लगवाया, ऐसे बेइज्जती मत करो, तो 200 का लगाया, सो हमें भैया ने बोला कैमरा चालू करने के लिए, भैया हेलो करो एक बार हमारे दर्शक को, हेलो सो माय गॉड, इधर भी ले आओ 200 अभी डाल दे सर, रुक जाओ वेट करो जी, हार्ले बॉयज ऑन द रोल, तो आज हम हार्ले बॉय बन गए हैं, ओह माय गॉड मैं चला रहा हूँ बोबो 48 बेबी, तो आपने पहले देख लिया वो चलाते हैं, सिनेमैटिक शॉट भी देख लिए उसके, इसके सिनेमैटिक शॉट्स लास्ट में दिखाएंगे आपको, लास्ट में यार ब्लॉग भी तो एंड करना है, तो पहले उसको चलते देख लो, सो ये वाली बाइक का नंबर बड़ा प्यारा है यार 0006, मेरे को ओ भाई ओ भाई बज गई, किसी और की चीज़ है वैसे ही मोहित थी है, बट मुझे सोचता हूँ मुझे चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि जबकि इसका थोड़ा सा इंजन ज़्यादा पावरफुल है उससे, लेकिन उसकी साउंड ज़्यादा अच्छी लगी मुझे एंड वो एक क्रूज़र फील दे रही थी,
एंड ये बॉबर वाला जो है ना, मेरे को लगता है लॉन्ग राइड के अंदर शायद पीठ दर्द कर देगी, तो देखेंगे मूड बनाते हैं क्या करते हैं। मतलब इसको तो शायद ना लूँ मैं, मतलब बॉबर वाली बाइक ना लूँ, 48 ना लूँ, तो देखूँगा। क्योंकि मैं हमारे ग्रुप में किस किस के पास है वो नाम भूल गया उसका, मैं जो नाम वो समझ जाए इसके लिए बोल रहा हूँ, मैं वो चलाता था, मैं उसको बोलता हूँ ये अंग्रेज़ों की बुलेट है। तो ये सच में दोनों अंग्रेज़ों की बुलेट ही हैं, हम हिंदुस्तानी वाली बुलेट बेच के अंग्रेज़ों वाली बुलेट लेना चाहते हैं। सो एक बार चलते चलते बता देते हैं कि बाइक में क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी हैं एक बारी, फिर बाकी डिटेल्स जो हैं वो आपको डिटेल बाद में बता दूंगा दिखा के एक बारी, फिर से अगर बता सका, नहीं तो वो दिखा देंगे हम आपको। सो इसके अंदर सबसे पहले ये फ्यूल कैप चेंज है, यहाँ देख रहे हैं फ्यूल गॉज मीटर लगा हुआ है जो आता नहीं है हार्ले के अंदर, उसके बाद इस बाइक को रेस करवा रखा है। यहाँ टैंक रेजर लगा हुआ है, आगे हैंडल बार रेजर लगे हुए हैं, उसके बाद जी अपना भगवान भला करे और क्या लगा हुआ है हमारे पास, उसके बाद क्या लगा हुआ हमारे पास, हैंडल बार रेजर लगा है, मुझे ना रोक रहे हो। नीचे देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ लगे हुए हैं बार्स, सॉरी रेयर व्यू मिरर्स, उसके बाद पीछे नंबर प्लेट लगी है फोल्डेबल, वो भी हार्ले जो ओरिजिनल 15,000 की लगी हुई है। फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, है स्टॉक एग्जॉस्ट लेकिन फ्री फ्लो करवा रखा है उनको। उसके बाद क्या लगा हुआ है, हाँ यहाँ आ जाओ, क्रोम का हॉर्न लगा हुआ है, हॉर्न मुझे हाँ ये पॉपा वाला हॉर्न लगा है, पॉपा वाला हॉर्न आता नहीं है वैसे करना। एंड उसके अलावा क्या लगा हुआ है जी, उसके अलावा हम देखा जाए तो हाँ ये आगे लेग गार्ड लगा हुआ है, और बस मुझे इतना ही बताया मोहित ने, और कुछ याद आएगा तो बता दूंगा भी आते आते। तो अभी सीन हो गया एकदम से चेंज, अभी हम जा रहे हैं अपने पिक्चर्स क्लिक कराने, हम देखोगे बहुत सारे ब्लॉगर्स वहाँ जाते हैं, मैं नाम भूल गया, मैं भी पहले गया हूँ वैसे, अपने फोटो क्लिक करा रखी मैंने, नाम माइंड से निकल गया। सो जी शूट हो चुका है पूरा हमारी 48 का एंड अपने सुपर लो का, जो रील्स हैं और जो हमारे अरे थोड़ा अंदर आ जा भाई, हाँ जी जो रील्स हैं और जो पोस्ट हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर चुका हूँ, कुछ फोटो एडिट करके पोस्ट करूँगा, खतरनाक फोटोज आई ओए तेरी। एंड अब टाइम आ गया है इस पर बैठने का, सवार होने का एंड चलने का, ठीक है जी चलें। अब हम चलने वाले हैं सुपर लो फिर से, टाइम टू एंड द ब्लॉग, सो राइड हार्ड राइड सेफ, दुआओं में याद रखना, प्यार देते रहना, प्यार लेते रहना, रब रखा है, रब रखा है।